आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन एक्स पर एक मोल हाइड्रोजन का योग कराने पर वह दूसरा हाइड्रोकार्बन देता है और ब्रोमीन जल को निर्जलीकृत कर देता है। एक्स अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 से क्रिया करके दो मोल समान एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल को देता है। एक्स की संरचना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अगर समान दे रहा होगा तो वो सममित एल्कीन ही होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन ही होगा। क्यों? क्योंकि KMnO4 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया देखें। तो देखिए, सममित वाला अगर हम लोग देखें तो पहला विकल्प में तो ये नहीं है, दूसरे विकल्प में भी ये नहीं है, यहाँ पर अंतिम में दे दिया गया है। तीसरा वाला बिल्कुल हम लोगों का है, देखिए इधर भी तीन कार्बन है और इधर भी तीन कार्बन है, और चौथा वाला भी नहीं है। तो तीसरे वाले को अगर हम लोग लेकर अभिक्रिया कराएं तो CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH है और द्विक बंध है, फिर CH है, फिर यहाँ पर CH2 है और CH3 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, KMnO4 ले लिए। तो KMnO4 लेने के बाद ऑक्सीकरण के पश्चात ये क्या उत्पाद बनाएगा? तो देखिए, यहाँ पर आपका ये द्विक बंध जो है वो टूट जाएगा और दोनों ही तरफ इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है। तो देखिए ये क्या बना लेगा, तो CH3 CH2 और C द्विक बंध O और इधर एक ऑक्सीजन लग गया। इसी प्रकार अगर हम लोग इधर से लिखते तो देखिए इधर से मैं लिख रहा हूँ CH3, फिर ये आपका CH2 और फिर ये आपका जो है C और द्विक बंध O और इधर से एक OH लग गया। तो ये देखिए एक समान कार्बोक्सिलिक अम्ल को दे रहा है। तो ये तो हो गया, यहां से हम लोगों को पता चल गया। फिर क्या बोला जा रहा है कि एक मोल हाइड्रोजन का योग कराया जाए। तो अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन का योग कराएंगे तो CH3 CH2 और फिर CH है, द्विक बंध है, फिर CH है, फिर इधर हम लोगों का CH2 और CH3 है। अब इसमें जब हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये निकल प्लैटिनम या प्लैटिनम की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले भी हाइड्रोकार्बन है और अभी भी ये हाइड्रोकार्बन रहेगा, पहले एल्कीन था अब एल्केन हो जाएगा। तो ये भी अभिक्रिया को हम लोग पूर्ण कर दिए। और अगर हम लोगों को बोला गया ब्रोमीन वाटर से हम लोग जब अभिक्रिया करा रहे हैं ब्रोमीन जल से तो क्या बनाएगा, तो देखिए तीसरे के लिए भी हम लोग अभिक्रिया लिखें तो CH3 CH2 और यहाँ पर CH है, द्विक बंध है, CH है, फिर CH2 और CH3 है। जब इसका हम लोग ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराएंगे तो भी ये परीक्षण धनात्मक देगा। ब्रोमीन वाटर जो होता है पीले रंग का होता है और जब अभिक्रिया कर लेगा तो ब्रोमीन यहाँ से खत्म हो जाएगा, Br2 नहीं रहेगा वो। अब दोनों द्विक बंध के जगह पर एक एक तरफ हम लोग क्या कर देंगे, आपका ब्रोमीन को जोड़ देंगे। तो अब Br2 तो रहा नहीं, तो इस वजह से पीला रंग भी गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का तीनों अभिक्रिया दे रहा है और तीनों सही दे रहा है तीसरा विकल्प। तो इस वजह से उत्तर जो होगा क्या होगा हम लोगों का, तीसरा विकल्प, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।